पानी से एक बस फंसी हुई है। नगर पालिका की मदद से बस को बाहर निकाला गया है और अय्या डिपो की बस में 20 यात्री सवार बताए जा रहे थे। सभी यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया है। नगर पालिका की मदद से इन सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ये देखिए, बारिश के पानी की वजह से ये हाल यहाँ पर देखने को मिला है और अंडर ब्रिज में पानी में ही बस फंस गई और काफी मशक्कत करनी पड़ी यात्रियों को बाहर निकालने में। हालांकि थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी यात्रियों को इस बस से बाहर निकाल लिया गया। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, और क्या अपडेट है आपके पास, कैसे फंसी थी ये बस अंडरपास के अंदर? जी, आपको मैं ये बता दूं सबसे पहले कि हर साल बारिश के समय में इस तरह का माहौल हमेशा देखने को आता है, तो कभी एम्बुलेंस फंस जाती, कभी बस फंस जाती है, तो कभी कोई वाहन फंस जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से प्रशासन की पूरी लापरवाही दिख रही है नगर पालिका प्रशासन की। कई बार इस तरह का मामला आया है, लेकिन इस प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है। इस आज जो बस फंसी है, सुबह से पानी बरस रहा था, जिस कारण अंडरपास में पानी भर गया था, जिस वजह से उसमें औरैया डिपो की बस थी वो आगरा से इटावा की ओर आ रही थी, तो वो फंस गई, जिसमें कि 25 सवारियां थी। तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा वो 25-26 सवारियां जो थी वो वहां पे इंतजार करती रही, काफी परेशान रही, जिसके बाद नगर पालिका के सफाई कर्मी आए। उसके बाद उन्होंने जेसीबी की सहायता, क्रेन की सहायता से उस बस को करीबन आधा घंटे बाद उसको बाहर निकाला, जिसके बाद जो यात्री हैं उनको सहूलियत महसूस हुई। जी बिल्कुल। अभी विवेक क्या स्थिति है? जी बता दें कि उस बस को अब वहां से क्रेन से निकाल लिया गया है और जो रास्ते, जो अंडरब्रिज के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। नगर पालिका प्रशासन और पुलिस वहां पे मुस्तैद है। कोई भी वाहन जो है उस, अभी जब तक पानी वहां से नहीं खत्म हो जाता है तब तक पानी वाहनों को नहीं निकलने दिया जाएगा। बिल्कुल विवेक, जो सवाल आपने शुरुआत में उठाया कि तकरीबन हर साल यही स्थिति रहती है, इस तरीके से वाहन डूब जाते हैं, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, इस पर क्या कहना है प्रशासन का वहां पर? प्रशासन का बस यही कहना रहता है कि हाँ, इसके लिए आगे का कार्य देखा जाएगा और इस तरह की जो समस्या पैदा हो रही है आगे समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि इससे कई बार हो चुका है इस तरह का मामला, लेकिन प्रशासन बस खाली एक आश्वासन देता हुआ नजर आता है, लेकिन इतने साल होने के बाद भी इस तरह का। विवेक, आपको फिलहाल हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कुछ रिएक्शन आए हैं इस पूरी खबर को लेकर, जरा पहले अपने दर्शकों को ये सुना देते हैं। दोनों तरफ पुल के इस साइड में, पुल के उस साइड में दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। जब बारिश हुई, रोडवेज औरैया की रोडवेज बस थी, मना करने के बावजूद भी उसने व्यवस्थित उस पानी के अंदर गाड़ी को अंदर कर दिया। मैंने अपनी ऑपरेटर अपराध जेसीबी मशीन द्वारा औरैया बस डिपो को पानी के बाहर निकाला। गाड़ी लेके आ रहे थे, पानी में फंस गई। पहली बार आया था, आगरा से लेके चले औरैया डिपो की बस। अभी यहाँ बस फंस रही थी, तो इसलिए हम लोग परेशान हुए आधे घंटे तक। कोई मतलब आप लोग की मदद से हम लोग सब निकले हैं आज। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी, और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से बस फंसी हुई है और यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये पहली बार का कोई मामला नहीं है, पहली बात नहीं है, इससे पहले भी हर साल कमोबेश इसी स्थिति से गुजरना पड़ता है यहाँ पर लोगों को, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं, कोई अमल नहीं। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट इस पर दे रहे हैं। विवेक, सबसे ज्यादा आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती है, खासतौर से वो यात्री जो दूर से रहते हैं, और उनको सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है ऐसे हालात में। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए विवेक। जी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको बता दें, ये जो रोड है ये आगरा के लिए गया है और मैनपुरी, सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये इटावा मैनपुरी रोड भी है, जिसको लेकर के ज्यादातर वाहन जो है वो इसी रास्ते से निकलते हैं। और इसमें जब बारिश का समय होता है, तो बारिश के समय यहाँ पे इस तरीके का माहौल पैदा हो जाता है, जिस वजह से वाहनों को, जो वाहन चालकों को है, काफी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ कई वाहन ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, या तो अगर एम्बुलेंस भी होती है, एम्बुलेंस में कई बार ऐसा भी हो चुका है कि एम्बुलेंस में मरीज होता है, तो मरीज भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।